सब्सक्राइब कीजिए मैक हैक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मैकिश वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, सोलर एनर्जी के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि सन की रोशनी को हार्वेस्ट किया जाता है यूजिंग द सोलर सेल, अ बैटरी पैक एंड एन इन्वर्टर, और ये दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। और घरों में ऐसी चीज़ें आप लगे हुए बिल्कुल देखे होंगे, जो एक पैनल्स होते हैं जो घरों के छत पे लगे होते हैं, ये सेल्स होते हैं बेसिकली। यहाँ से हम बैटरी में करंट को स्टोर करते हैं और फिर उसको बाद में यूज़ करते हैं। वैसे इसी के डायरेक्शन में इलॉन मस्क ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जिसमें आपको छत के ऊपर पैनल लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका खुद छत ही बन जाएगा सोलर पैनल। वेल, एक्साइटेड तो होंगे ही आप, मैं बहुत एक्साइटेड था ये बात सुन के। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं मैक हैक्स, और इसी के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सोलर पावर प्लांट काम कैसे करता है। वैसे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले जो सिलिकन या जर्मेनियम डिराइव जो सोलर सेल्स होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं जो सबसे पहले चार्ज कंट्रोलर में जाता है। वहां से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद उसको बैटरी सिस्टम में स्टोर करते हैं जो कि एक डीसी में स्टोर होता है, और बाद में इन्वर्टर के जरिए उसको एसी में कन्वर्ट करके हम घरों में यूज करते हैं। और घरों में ऐसे ही कुछ सोलर पैनल जो है वो लगे होते हैं, आपने देखे होंगे आजकल हाउस होल्ड बहुत यूज हो रहा है। वैसे एक बात इसमें गौर करने वाली है कि ये थोड़ा कन्वेंशनल सिस्टम है और दिखने में भी उतना एस्थेटिक लुक नहीं देता, थोड़ा बहुत सा उतनी अच्छी फील नहीं देता है लुक वाइज। अब आप इस घर को देखिए, आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, ऐसा घर मेरा ड्रीम हाउस है, मतलब क्या बताऊं। और इसमें भी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और छत पे ही लगे हुए हैं, और वो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। इसलिए नहीं नजर आ रहे होंगे क्योंकि ये खुद जो टाइल्स हैं ये खुद ब खुद सोलर पैनल है, खुद ब खुद ही ये सोलर पैनल है। और इसको अगर हम थोड़ी क्लोजली देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा जिसके बारे में भी मैं बताता हूं कि ये जो टाइल्स हैं ये सबसे पहले तो ऊपर की सरफेस इसकी जो होती है वो बहुत ही हार्ड टेम्पर्ड ग्लास से तैयार की जाती है, और नीचे जो होता है वो पैनल होता है। अब यहां समझ लेते हैं कि ये जो स्टोर करता है एनर्जी ये करता कहां पे है। ये टेस्ला का खुद का एक पावर वॉल सिस्टम है, इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से जरूर बना दूंगा क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजिकल बहुत अच्छा एडवांसमेंट है जिसमें वो सोलर पावर स्टोर होती है। अब हम समझते हैं कि साइंस क्या है मटेरियल के पीछे। वैसे कोई भी कंपनी अपना सीक्रेट तो रिवील नहीं करती, बट एज ए इंजीनियर जो मैं इस बात को समझ पाया हूं वो ये है कि सबसे पहले सिलिकॉन डिराइव्ड पैनल्स लिए गए हैं और उसके ऊपर अलग अलग टेक्सचर के ग्लास लगाए गए हैं जो कि हाई एंड टेम्पर्ड ग्लास है, जो कि बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ज्यादा टफ है। अब अलग अलग टेक्सचर की वजह से आपको अलग अलग लुक मिलता है। ये चार अभी टेक्सचर्स जो हैं टाइल्स के वो लॉन्च हुए हैं, आप डायरेक्टली रूफ टॉप में इसको लगा सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग एनी काइंड ऑफ पैनल, अदर पैनल्स। अब बात करते हैं क्या ये वर्थ है, मतलब क्या इसको लगाना सही में ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि कई बात इस पे उठे थे। तो इलॉन मस्क ने कहा है कि इन द लॉन्ग रन अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात सस्ती पड़ेगी, मतलब ये जो डील है ये सस्ता पड़ेगा क्योंकि आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएंगे आपके। और दूसरी बात, अगर आप छत बनाते हैं फिर आप पैनल बनाते हैं और सिर्फ आप इन रूफ टाइल्स को लगाते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि कॉस्ट इसकी कम ही पड़ने वाली है। गाइस, अब बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की, टफनेस कितनी है इस टाइल्स की, क्या ये लगाना ऊपर सही है। वैसे ही एक हेलस्टॉर्म अटैक करवाया गया एक्सपेरिमेंटली, तो ये देखा गया कि ओले गिरने की वजह से भी जो सोलर टाइल्स है वो टूटे नहीं और नॉर्मल टाइल्स जो है वो टूट गए, क्योंकि सोलर रूफ टाइल्स टेस्ला के वो 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसके जो ग्लासेस है जो टेम्पर्ड ग्लास है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला रीजन है वो तो है ही है, लुक, अपीयरेंस, एस्थेटिक्स, कुछ भी कह लो, एक कन्वेंशनल सोलर पैनल से आप इसकी बराबरी तो कर ही नहीं सकते हो। वैसे आप क्या सोचते हो मेरे को कमेंट्स में बिल्कुल आप बताओ। और यही था इस वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और गाइज, कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो, या आप इस टाइल्स के बारे में कुछ और जानते हो बनावट के बारे में कुछ भी, तो आप मेरे को प्लीज बताओ, और आप और क्या देखना चाहते हो कमेंट्स में प्लीज बताओ। गाइस, प्लीज बताओ,
एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, लोग करते नहीं है यार, प्लीज कर दिया करो यार, मतलब छोटा सा यूट्यूबर हूँ।